हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाथमेकर पे। और मैं हूँ विवेक। दोस्तों, आप सभी के लिए लेकर आया हूँ बहुत बड़ी अपडेट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले आरआरबी एलपी भर्ती के बारे में, और साथ में ही बात करेंगे माय डियर फ्रेंड्स आरआरबी ग्रुप डी भर्ती के बारे में। और इसमें भी हम बात करेंगे माय डियर दो जोन के बारे में। सबसे पहला ईस्ट सेंट्रल रेलवे और दूसरा है आपका साउथ सेंट्रल रेलवे। सबसे पहले अगर हम बात करें ईस्ट सेंट्रल रेलवे के बारे में, तो दोस्तों आपको पता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आरआरबी पटना आता है। और इसमें ग्रुप डी के बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको आप लोगों को पता है कि इनमें बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी यहाँ पर रिपोर्टिंग को रोक दिया गया था कोविड-19 के कारण। और यहाँ पर अभी 3 दिसंबर के की डेट को यहाँ पे एक नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था, जिसमें यह बोला गया था कि इन स्टूडेंट्सों की जो टेंटेटिव जो रिपोर्टिंग डेट है वो यहाँ पे 27 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है। और फाइनली यहाँ पर आज की डेट में नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया, जिसमें 307 कैंडिडेट्स का यहाँ पे पैनल रिलीज़ कर दिया गया है। और साथ में इन स्टूडेंट्सों की जो रिपोर्टिंग डेट है वो यहाँ पर रिलीज़ कर दी गई है। तो ये ग्रुप डी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि यहाँ पे फाइनली 307 जो कैंडिडेट्स हैं उनका यहाँ पे रिपोर्टिंग डेट अनाउंस कर दी गई और साथ में पैनल रिलीज़ कर दिया गया है। वहीं अगर सेकंड नोटिफिकेशन की बात करूँ आइडिया, तो आपको पता है सेकंड नोटिफिकेशन जो निकला हुआ है वो साउथ सेंट्रल रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर निकला हुआ है। और इसके अंतर्गत आरआरबी सिकंदराबाद आता है, उसमें जो फाइनल पैनल होता है एएलपी का, ठीक है, तो वो यहाँ पे रिलीज़ कर दिया गया। फाइनल पैनल पार्ट 5 एएलपी कैंडिडेट्स के लिए आरआरबी सिकंदराबाद की ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज़ कर दिया गया। तो चलिए दोस्तों, दोनों नोटिफिकेशन को एक एक करके देख लेते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे पल पल की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं ईस्ट सेंट्रल रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर। माय डियर, यहाँ पर देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ईस्ट सेंट्रल रेलवे की जो आरआरसी की वेबसाइट होती है उसको मैंने ओपन कर रखा है। और आप लोग दोस्तों देख सकते हैं, इसमें कल की डेट में नोटिफिकेशन, दोस्तों इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ नॉन पीएच कैंडिडेट्स थर्ड एंड डाउनलोड ईमेल ई कॉल लेटर। तो चलिए दोस्तों, पूरे नोटिफिकेशन को यहाँ पर देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने नोटिफिकेशन को ओपन कर रखा है। देखिए पूर्व मध्य रेल, यहाँ पर देखिए पटना, और देखिए आज कल की डेट में ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। दोस्तों देखिए, सी एन 2018 के तहत सूचना संख्या 36/2019 के क्रम में अंतरिम रूप से नॉन पीएच कैंडिडेट्स का दस्तावेज सत्यापन सह अभ्यर्थियों जांच में उपस्थित होने के लिए बुलावा पत्र डाउनलोड प्रिंट करने हेतु सूचना। मतलब यहाँ पे जो कैंडिडेट्स बचे हुए, जो थर्ड लिस्ट का जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था, तो उनका यहाँ पे पैनल रिलीज कर दिया गया है। सबसे पहले मैं बता दूँ दोस्तों, ये आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था वो आपका मार्च में होना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया था। और ये 3 दिसंबर की डेट में एक नोटिफिकेशन इन लोगों ने रिलीज़ किया गया था। इन लोगों ने ये बोला था कि इन जो कैंडिडेट्स का जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बचा हुआ है उनका 27 दिसंबर से होने की संभावना है, टेंटेटिव इन लोगों ने बोला हुआ था। और फाइनली इन लोगों ने आज की डेट में इसको रिलीज़ कर दिया। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ से अपना अपना सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर सकते हैं, जो सीबीटी का अपना रोल नंबर था वो चेक कर सकते हैं, आपका नाम दिया हुआ है, और डेट ऑफ आप लोग देख सकते हैं वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स, या देखिए 27 दिसंबर से यहाँ स्टार्ट होने वाला था, इन लोगों ने बोला था, तो वैसा इन लोगों ने इसको कर दिया है। ठीक है, और रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पे दिया हुआ है। तो टोटल यहाँ पे 307 कैंडिडेट्स का नाम है। तो आप लोग आराम से अपना नाम चेक कर सकते हैं, इसका जो पीडीएफ लिंक है वो आप लोग प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर 27 दिसंबर से लेके और ये चलने वाला है दोस्तों 8 जनवरी तक आप लोग का यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलने वाला है। इसका जो पीडीएफ लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से प्रॉपर तरीके से आप लोग अपना नाम चेक कर सकते हैं। अब सेकंड नोटिफिकेशन को और देख लेते हैं। दोस्तों चलते हैं दोस्तों आरआरबी सिकंदराबाद की ऑफिशियल वेबसाइट पर। माई डियर, यहाँ पर देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए आरआरबी सिकंदराबाद की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 21 तारीख की डेट में नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। देखिए, फाइनल रिजल्ट पार्ट 5 फॉर द पोस्ट ऑफ एएलपी ऑफ सीएन 1/2018। मतलब यहाँ पर पार्ट 5 आप लोग रिलीज़ कर दिया गया। तो चलिए दोस्तों, पूरी नोटिफिकेशन को यहाँ पर देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आरआरबी सिकंदराबाद का ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर रखा है। देखिए, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड सिकंदराबाद, ठीक है, ये देखिए आज की डेट में रिलीज़ हुआ है। दोस्तों, अगर इसमें मैं बात करूँ तो देखिए आप लोग, जो पार्ट 5 आया हुआ है आज का फाइनल पैनल, तो इसमें एक कैंडिडेट्स का नाम है, तो जिसका भी रोल नंबर है वो प्लीज़ अपना रोल नंबर यहाँ से चेक कर सकता है। तो दोस्तों, ये थे आज के दोनों नोटिफिकेशन।
दोनों नोटिफिकेशन के जो पीडीएफ लिंक है दोस्तों, वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग प्रॉपर तरीके से अपना अपना नाम चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर लीजिए, इससे पल पल की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद।